तो देखिए ये मेला का दृश्य, उसके बाद अभी हम घाटी को चढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो मेला को मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, चारों ओर का एरिया, उसके बाद फिर हम देखने जाएंगे। इधर मैं पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ड्रोन होता तो अच्छा से हो पाता। चलिए अब मेला की जगह घाटी दिखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, वो बंगाल का रास्ता है, ठीक ना, और ये झारखंड का। इधर झारखंड चले जाते हैं आप और इधर आप बंगाल चले जाते हैं। तो झारखंड और बंगाल दोनों का संगम एरिया है यह, ठीक ना। यह भारत के पूर्वी इलाके में आता है, ईस्ट एरिया में, ठीक ना। मैप में देखना चाहेंगे तो आपको पूरब का एरिया दिखेगा। यहाँ से मैं जंगल को भी दिखाऊंगा और घाटी को पूरा का पूरा सेवाती घाटी आपको दर्शन कराऊंगा, ठीक ना। चारों ओर का इलाका दिखाऊंगा और नीचे में जहाँ पे मेला लगा था वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाई दिया। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन में यहाँ पे मेला लगता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे झारखंड और बंगाल का बॉर्डर कहाँ पे है, ठीक ना। दो राज्यों का संगम स्थान है और यहाँ पे दोनों राज्यों के लोग आते हैं मेला देखने के लिए। तो सारा कुछ दिखाऊंगा, घाटी क्षेत्र भी टूरिज्म एरिया, ये हमारा एडुकेशनल टूर होगा एक शैक्षिक या यात्रा के तौर पे। हाँ तो जी देखिए, यहाँ पे काफी जाम हो गया, इतना आदमी आते हैं ना, इतना मत पूछिए। और ऊपर का भी आप एरिया देख सकते हैं, काफी डेंसिटी वाला लग रहा है झारखंड और बंगाल। देखिए पूरा का पूरा आदमी यहाँ पे, इतना भीड़, आपको मजा आ जाएगा अगर आप कभी आएंगे इस त्योहार पे, ठीक ना, मकर संक्रांति के दिन। यहाँ पे 16 तारीख को मेला लगता है, 16 जनवरी को एवरी वर्ष, तो आपको मजा लग जाएगा। देखिए उधर बंगाल चल जाएंगे आप, ठीक ना, उस साइड, और इस साइड का एरिया आप झारखंड चले जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे काफ़ी फोर्स भी आए, यानी कि पुलिस बल भी, क्योंकि इतना आदमी जब आया करते हैं अक्सर, तो यहाँ पे पुलिस बल की सहायता ली जाती है। अभी मैं आपको सेवाती घाटी ही उतर रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा इलाका नाम है सेवाती, ठीक ना, जो कि झारखंड को बंगाल से जोड़ती है। झारखंड का पूर्वी एरिया है, ठीक ना, तो झारखंड को बंगाल से जोड़ती है यह एरिया, और बंगाल का यह पश्चिमी साइड है। तो सारा का सारा अभी मैं दिखाते जाऊंगा, अब नीचे की उतरूंगा उधर, जी हाँ, इधर 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 ही हम अब उतरेंगे, ठीक है, और सारा कुछ बता रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो हम आ चुके हैं काफी जगह, एकदम पूरा आदमी पूरा चारों, ठीक ना, जगह नहीं मिल रहा है इतना, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब पूरी तरह से हम बंगाल का एरिया में घुस चुके हैं, झारखंड के वैसे तो मैं हूँ रहने का, ठीक ना, लेकिन अब पूरी तरह से बंगाल का एरिया में आ चुका हूँ। और मैं सेवाती घाटी है, यह देखिए किस प्रकार का रास्ता है, और ऐसे ही रास्ता को मैं सारा क्लियर करते जाता हूँ, ठीक ना। वैसे तो रास्ता जगह का मिल नहीं रहा है, तो इसी तरह जा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ तो अब यहाँ पे एक प्रतिमा बनी है जिसे सेवाती माता के नाम से जाना जाता है, अब उसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए आपको दिखाई देता हूँ, जब आप इधर से आएंगे तो आपको एक मिलेगा यहाँ पे, तो सेवाती माता के नाम से जाना जाता है। तो इधर भी आप देख लीजिए आराम से, ठीक ना, कभी आए तो आपको घूमने का मौका मिलेगा। और मैं अभी आपको झरना यानी कि फॉल का दृश्य दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, जय माता दी। आप किसी भी धर्म के हो उससे कोई लेना देना नहीं है, भारत के किसी भी राज्य से हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप आ सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम बात करते हैं नीचे की ओर। देखिए रास्ता काफ़ी मतलब आपको पूरा चढ़ाई करना होगा, ठीक ना, पहाड़ को काट के बनाया गया है, इसलिए इसे घाटी बोला जाता है। घाटी का अर्थ मैं समझाई दिया हूँ, और नहीं समझे तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, पर्वत पठार मैदान, ठीक ना, वगैरह वगैरह की। तो अब देखिए झरना के निकट हम पहुँच ही चुके हैं, वो वहाँ पे एक झरना है, अभी आप हम सब एक साथ मिलकर देखेंगे। और बाइक भी अगर आप अच्छे से चलाना जानते हैं तो आप बाइक को भी चला सकते हैं। देखिए रास्ता एकदम पूरा तरह से आपको खड़े खड़े चढ़ाने कराऊँगा, ठीक ना। और पर्वत को भी मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर पर्वत भी हैं काफ़ी, ठीक ना। तो देखिए मेरे साथ ना, मैं लाइफ के जिस जिस जगह पे जाऊँगा आप सभी को इधर एक बार एक झलक देते जाऊँगा, ठीक ना। उधर देखिए काफ़ी ऊंचाई है, इसी प्रकार का चढ़ाई और इसी प्रकार का आपको रास्ता दिखेगा। तो चलिए फिर हम आगे आपके साथ बने रहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बातों का सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक ना, अगर आप लड़की हैं या फिर गर्ल्स, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई आपका भाई या फिर आपके साथ कोई दोस्त आए, क्योंकि यहाँ पे छेड़खानी से संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक ना। इसके लिए मैं पहले से आपको अवेयर कर देता हूँ, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो फिर यहाँ पे बहुत से भाई लोग भी होते होंगे, ठीक ना, अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो सारा कुछ देख सकते हैं, काफ़ी आदमी है यहाँ पे, और अब हम फॉल के सामने पहुँच चुके हैं। हाँ तो अब आपको मैं दिखाई देता हूँ इधर का दृश्य, और पहुँच ही चुके हैं, अब हम देख कोशिश करें कि झरना
इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको फ्लडिंग हो सकती है, ठीक ना, प्रैंक वगैरह भी हो सकता है, तो इसलिए आप अवेयर के साथ आए अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो। और बाकी सब कुछ मैं दिखाई देता हूँ, देखिए घाटी को चढ़ने का प्रारंभिक स्थान यहीं पे है और इधर से ही हम ऊपर चढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको नीचे का दृश्य दिखा दूँ एक बार अच्छे से, ठीक है, इसे बोला जाता है घाटी सेवांती घाटी इलाका। अभी तो हम फिलहाल पूरी तरह से बंगाल आ चुके हैं, ठीक ना, बंगाल का एरिया पड़ता है, झारखंड ख़त्म हो चुका है हम लोग का, ठीक है, छोटा सा भी सूखा हुआ है और इधर घाटी इलाका सारा का सारा मिलेगा। तो चलिए अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह का पूरा सेवांती घाटी है। उधर से हम रास्ते की ओर चढ़ेंगे, चलिए जितना दूरी तक आपके साथ चल पाएंगे। ये देखिए इधर भी है थोड़ा, यहाँ पे आपको बहुत सारे कमीने लड़के भी मिल जाएंगे, ठीक ना, मुझे कहने में जरा भी शर्म नहीं आ रही क्योंकि कमीनों को कमीनों ही बोला जाता है। अब देखिए पानी का जलस्तर मैं आपको दिखाई देता हूँ कहाँ से स्रोत है, ठीक ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा इसके हाइट तक पहुँचा। चलो 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 चलो, ये देखिए यहाँ पे अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हैं फिसलन यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। फिलहाल तो मैं बच के चढ़ूंगा। अब देखिए अरे देख लीजिए ये मेरा क्लास फ्रेंड है, फिलहाल तो बहुत दिनों के बाद मिले इससे यहीं पे। चलिए मैं आप ना भी आप थोड़ा सा दिखा दूँ, फिलहाल मैं गंज में आ गया हूँ, ठीक ना, इधर से ही देख लो, एकदम लगेगा माहौल अच्छा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा अगर आप आएंगे झारखंड या बंगाल, ठीक ना, बंगाल के किस जिले में पड़ता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन झारखंड के बोकारो जिला में अगर आप आते हैं कसमार प्रखंड, ठीक ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आसानी से। मैं अपने आस पड़ोस का सारा इलाका तो घुमा ही दिया हूँ आपको। हाँ तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह दृश्य जिससे कि आप यहाँ पे ऊपर की ओर चढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना, तो कुछ लोग चढ़े हुए हैं, चलिए हम कोशिश करते हैं। तो ऊपर की ओर चढ़ने का रास्ता मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको काफ़ी संभल के चढ़ना होगा, ठीक ना, तो चलिए मैं तो थोड़ा भीग भी गया और ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका पता तो शायद मैं नहीं लगा पाऊँ, ठीक ना, इसलिए चलिए हम रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए आपको रास्ता कठिन पड़ सकता है, ये आपको इधर से चढ़ना होगा और लगता है कि कुछ दोस्त कुछ लोग चढ़े हुए हैं ऊपर की ओर, फिलहाल तो मैं चढ़ रहा हूँ और एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ा हूँ, तो चलिए गिरने का डर रह सकता है दोस्त, मैं तो इसे गिरूंगा नहीं क्योंकि काफ़ी मेरा जंगल झाड़ों से एक्सपीरियंस रहा है, ठीक ना। अब देखिए एक आदमी गिरा वहाँ पे, देखिए मैं नीचे का दृश्य दिखा दूँ थोड़ा कैसा दिख रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर भी दिखा दूँ किस प्रकार चढ़ना पड़ रहा है, मैं एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ा हूँ भाई, तो चलिए आप देखिए इधर भी दिखा दूँ, ये चढ़ना है, देखिए इसको जो भी लकड़ी मिले तो उसको इस प्रकार पैर से दबा के रखिएगा, खींच दे अरे यार देख लिया ये तो मैंने, अरे भाई आराम से रुकियो भाई, देखिए हम लोग रीजनल लैंग्वेज खोरठा और बांग्ला यहाँ पे चलता है क्योंकि झारखंड और बंगाल का संगम है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं। देखिए हम काफ़ी ऊंचाई पे, नहीं तो थोड़ी सी ऊंचाई पे पहुँचे हैं और जहाँ तक सेफ्टी होगा वहीं तक चढ़िएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। आप देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है सारा कुछ, ठीक ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाई दूँ इधर का इलाका। अब चलिए यहाँ से दिखा दो कि पानी कहाँ से आ रहा था, वो जो झरना का पानी था वो इधर से आ रहा था, ये देखिए यहाँ से नीचे उतरता है झरना का पानी, ठीक, ये देखिए यहाँ से नीचे उतरता है झरना का पानी और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, ये पानी बहुत से लोग बोतल में भर कर ले जाते हैं
आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आगे, जहाँ तक मुझे लगता है ना ये जो पर्वत है ये सभी ज्वालामुखी पर्वत होंगे, क्योंकि प्राचीन काल में इधर काफी ज्वालामुखी हुआ करते थे और पर्वत तीन ही प्रकार से बनते हैं, ज्वालामुखी और आपको मालूम ही होगा, नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊंचाई पे चढ़ता हूँ, इधर तो कोई नहीं चढ़ता है, थोड़ा सा रिस्क लूंगा आपके लिए और मुझे भी देखने का काफी शौक है। तो यहाँ पे मैं देख, ये देखिए इधर पानी आता है, कहाँ से आता है, चलिए आगे भी आदमी गए हैं वहाँ पर भी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इससे लकड़ी से आपको पैर रखना होगा और इस प्रकार चढ़ना होगा। देखिए आपको सांप वगैरह सभी खतरा हो सकता है तो आप संभाल के आइएगा, ठीक ना, वैसे तो उतना खतरा नहीं होगा। अब देखिए इधर काफ़ी ऊंचाई है, उतना तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। इधर से मैं इस पे पैर रखूंगा, इस प्रकार है, देखिए और थोड़ी ऊंचाई पे जाऊंगा और मुझे तो साइकिल से यहाँ तो टाइम लग जाएगा और थोड़ा, ठीक ना, अभी मैं बाइक नहीं ले पाया हूँ। अब देखिए इधर काफी ऊंचाई से पानी आ रहा है और कोशिश करता हूँ थोड़ा और ऊंचाई पे जाने को मेरा, ठीक है अब रखते हैं, ठीक ना, काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहीं से अब रिटर्न मारेंगे और रिटर्न से भी कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए इधर से रिटर्न मारते हैं, तो शेयर कीजिएगा वीडियो को और दूसरे दोस्तों को भी पहुंचाइएगा। मैं इसी प्रकार अगर कहीं विदेश तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन जब भी जाऊंगा किसी भी नदी पे जाऊंगा या फिर किसी भी समुद्र पे तो आपको सारा का सारा इलाका घुमाऊंगा और उसका वीडियो भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर योर हेल्थ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो का एंड करते हैं, ठीक ना, और मेरे साथ भी काफी लोग आए हुए हैं तो सभी को मिल के आओ वीडियो को एंड करते हैं। और आप अपने भी मोबाइल से सर्च मार के दूसरों को भी बताइएगा मेरे चैनल का नाम भी, ठीक ना। देखिए हम आपके साथ जितने भी हो सकता है वो मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ, अपने रिस्क भी लेता हूँ, ठीक ना, और ऐसे भी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। देखिए काफ़ी आदमी गिर चुके हैं फिर वहाँ पे गिरा, इसलिए आपको काफ़ी संभल के जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे सामने तीन चार आदमी गिरे हैं देख रहे हैं ना, और देख लीजिए ये देखिए। देखिए यहाँ पे मैं जानकारी के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे उस साइड, ठीक ना, ये जो एरिया दिख रहा है ये रोड, इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे बंगाल का एक गांव पाया जाता है, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव पाया जाएगा बकत उसको बोलते हैं, ठीक ना, उसके आगे फिर आपको काफी झरने मिलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फोटो खींच के तुरंत दे देंगे 20 रुपए में, ठीक ना, और ठीक ना, ठीक ना, ये मेरा तकिया कलाम है, इससे आपको थोड़ा भी भयभीत ना होइएगा, ठीक ना। यहाँ से मैं दिखा दूँ और सामने से सारा कुछ दिखाई दिया और बताई भी दिया, तो जितना मेरे नॉलेज में आ सका मैं सारा कुछ तो बता दिया। अब हम घर की ओर जाएंगे, साइकिल से आए हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, यहाँ से घर मेरा 11 किलोमीटर होगा, 10 या 11, ठीक ना। तो बाय, मेरे दोस्त भी कोई नहीं आए मेरे साथ, मैं अकेले आया हूँ।